नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहीन अली और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। तो आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर गुरुवार को उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उत्सव का माहौल रहा। 71 किलो लड्डू का केक बनाकर काटा गया। इसके साथ ही 80 घाट पर गंगा जी की आरती और दीप जलाकर पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्रार्थना की गई। केक काटने के दौरान अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली, बीएचयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी और बीजेपी यूपी के प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा समेत बड़ी संख्या में शहर के लोग मौजूद थे। सभी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को सशक्त नेतृत्व प्रदान करने के साथ ही दुनिया में हिंदुस्तान का मान बढ़ाया है। हम सभी को उन पर गर्व है और उनके सुखद जीवन के लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार देर शाम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच दोनों नेताओं के बीच हुई इस मीटिंग में करनाल के घटनाक्रम को लेकर चर्चा भी हुई। इसके साथ ही मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं भी दी। उधर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच ऐसे समय में मुलाकात हुई है जब हरियाणा में लंबे समय से केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन चल रहा है। प्रधानमंत्री के निवास पर हुई करीब 1 घंटे की बैठक के दौरान हरियाणा के अन्य विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं देने के साथ ही हरियाणा में किसान आंदोलन सहित अन्य मुद्दों पर बात की। घाटे से जूझ रही एयर इंडिया को बेचने की प्रोसेस जारी है। 15 सितंबर को इसे खरीदने की इच्छुक कंपनियों के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख थी। इस दिन टाटा ग्रुप और स्पाइस एयरलाइंस ने इसके लिए बोली लगाई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर तक एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। सरकार का कहना है कि बोली के लिए सरकार के पास कई कंपनियों ने संपर्क किया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम टाटा ग्रुप का है। टाटा के साथ ही स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह ने भी बोली लगाई है। अगर टाटा ग्रुप एयर इंडिया को खरीदता है तो 68 साल बाद टाटा दोबारा एयर इंडिया का मालिक बने। अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली पहुंचना 18 सितंबर से आसान होने वाला है। द्वारका नजफगढ़ कॉरिडोर के कुल 4.2 किलोमीटर लंबे इस मेट्रो रूट के विस्तार होने से 286 स्टेशनों के साथ मेट्रो की कनेक्टिविटी 390 किलोमीटर तक हो जाएगी। इस रूट के शुरू होने के बाद यात्री बल्लभगढ़, गुरुग्राम, गाजियाबाद, शाहदरा से सीधे नजफगढ़ बिना किसी परेशानी के आ जा सकेंगे। इस विस्तारित मेट्रो रूट को हाल ही में कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी से अनिवार्य मंजूरी मिली थी। वहीं द्वारका नजफगढ़ कॉरिडोर अक्टूबर 2019 में खोला गया था, जिसने पहली बार नजफगढ़ के शहरी गांव क्षेत्र को रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क से जोड़ने का काम किया था और इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर परिवहन की सुविधा मिली थी। अब रुक करते हैं कृषि विभाग से जुड़ी कुछ खबरों की ओर। बिहार में मई महीने के आखिरी में आए यास तूफान ने 7.30 लाख हेक्टेयर में फसल को बर्बाद कर दिया था। सरकार ने इसके बाद जून में यास पीड़ित किसानों को मुआवजा देने का निर्णय लिया था। इसी आधार पर कृषि विभाग ने किसानों से आवेदन मांगा था। यास पीड़ित 16 जिलों के 8.15 लाख किसानों ने कृषि विभाग को मुआवजा के लिए अर्जी दी। मई में यास तूफान की वजह से 16 जिलों के 102 प्रखंडों के किसानों की 33% से अधिक फसल को नुकसान पहुंचा था। आपदा के शिकार इन किसानों को करीब 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है। कृषि विभाग ने क्षतिपूर्ति के लिए 27 अगस्त से 12 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। बुंदेलखंड के किसानों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल 5 नदियों के एकमात्र संगम स्थल
पंचनद पर किसानों के लिए बैराज बनाने की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसका जल्द ही शिलान्यास किया जाएगा। बता दें, पंचनद एक ऐसा पौराणिक स्थल है जहां 5 नदियों यमुना, चंबल, सिंध, क्वारी और पहुंच का संगम होता है। प्रखंड के सुपासंग गांव निवासी जमींदार बिंद के साथ बैंक के अधिकारियों ने घटिया हरकत की है। उनके बहुत पुराना केसीसी में दर्ज की राशि की माफी होनी चाहिए थी, लेकिन उसके एवज में पत्नी के इलाज के लिए रखे रुपए की जब्त कर। प्रखंड के सुपासंग गांव निवासी जमींदार बिंद के साथ बैंक के अधिकारियों ने घटिया हरकत की है। उनके बहुत पुराना केसीसी में कर्ज की राशि की माफी होनी चाहिए थी, लेकिन उसके एवज में पत्नी के इलाज के लिए रखे रुपए ही जब्त कर लिए। पहले से ही किसान 3 काला कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, पर सरकार चीर निद्रा में है। अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला सचिव पाल बिहारी लाल व किसान नेता शिव शंकर प्रसाद ने गुरुवार को बयान जारी कर बैंक की इस अमानवीय करनी पर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि 3 काला कानून, नया बिजली बिल 2020 को वापस लेने व न्यूनतम समर्थन मूल्य को ले 27 सितंबर को भारत बंद किया जाएगा। इसमें अधिक से अधिक लोगों से समर्थन कर इसे सफल बनाने की अपील की है। अब नजर डालते हैं खेल जगत और बॉलीवुड से जुड़ी कुछ खबरों की ओर। विराट कोहली ने कोहली अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे। हालांकि वे टेस्ट और वनडे मैचों के कप्तान बने रहेंगे। कोहली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कप्तानी छोड़ने के फैसले की जानकारी दी और सभी को हैरानी में डाल दिया। विराट के कप्तानी छोड़ने के ऐलान के बाद एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली उप कप्तानी के पद से रोहित शर्मा को हटाना चाहते थे। विराट लिमिटेड ओवर्स में रोहित को उप कप्तानी से हटाने के प्रस्ताव के साथ चयनकर्ताओं के पास गए थे। भारतीय कप्तान का ऐसा कहना था कि रोहित अब 34 साल के हो गए हैं, ऐसे में वनडे में केएल राहुल और टी20 में ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाना चाहिए। हालांकि कोहली का ये प्रस्ताव बोर्ड को पसंद नहीं आया, क्योंकि उनका मानना था कि विराट वास्तव में अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं चाहते। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम ऐसे आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे फसल क्रांति। आप हमारी वेबसाइट www.fasalkranti.in पर कृषि से संबंधित और अधिक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।